शेख साहब, मेरा सवाल यह है कि जैसे कि बहुत सा पास में जो रहते हैं शख्स, वो वजू बना लेते हैं, वजू करके और फिर नमाज के लिए रास्ते में जाते हैं, तो तंबाकू सिगरेट ये सब पान वगैरह जो सो खाते जाते हैं, और बाद में मस्जिद के बाहर जाते हैं तो वहाँ पे जैसे कुल्ली कर लेते हैं और फिर नमाज के लिए चले जाते हैं, तो क्या ये जैसे कि तंबाकू वगैरह खा के सिगरेट पी के ये नमाज पढ़ना कहाँ तक दुरुस्त है, इसके बारे में थोड़ा वजाहत करें। देखिए, वजू और वजू का टूटना ये अलग मसला है, बिल्कुल अलग। और सिगरेट पीना, तंबाकू खाना या गुटखा खाना, ये बिल्कुल अलग मसला है। दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों अलग-अलग मसले हैं। जब इंसान ने वजू बना लिया तो कुछ मखसूस चीजें हैं जिनसे उसका वजू टूटेगा, और उन मखसूस चीजों का जिक्र कर दिया गया है, जैसे पेशाब बहाना करना या हवा खारिज होना या जो है गहरी नींद में सो जाना। तो कुछ मखसूस चीजें हैं जिनसे इंसान का वजू टूटता है, और उन मखसूस चीजों में किसी चीज का खाना शामिल नहीं है। तो लिहाजा गुटखा और सिगरेट ये बिल्कुल अलग मसला है। ये और बात है कि जो भी नुकसान वाली चीजें हैं वो हराम है, वो जायज नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन उससे उसका वजू नहीं टूटेगा। जी अच्छा, तो मस्जिद वो में जाते हैं शेख, वो अब यहाँ दूसरा मसला ये है कि एक हलाल चीज खा करके जाने में वहां पर अगर बू आती है मुंह से तो अल्लाह ताला ने मना किया कि मस्जिद में मत आओ, अल्लाह के रसूल ने मना किया। बिल्कुल अब ऐसी बिल्कुल सूरत में आपने सिगरेट पी के जाते हैं या गुटखा खा के जाते हैं, मुंह से इतनी बास आती है कि उस बास को बगल वाला आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है शेख, ऐसे लोग जो नमाज पढ़ने जाते हैं। बहुत अच्छा याद दिलाया आपने, जजाकुल्लाह खैर। देखिए, एक तो उसको खाना गलत है, दूसरा जी आपके मुंह से, उसके खाने की वजह से आपके मुंह से जो बू आ रही है, आपका मस्जिद में जाना भी मना है। जब लहसुन और प्याज खाने से जो बू आती है, जो कि हलाल चीज है, जब जी उसमें जी मना किया गया है आपको, तो ये चीज जो कि पहले ही हराम है और जिसकी बदबू भी लहसुन और प्याज से ज्यादा खतरनाक होती है, इसको खा करके जाने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? तो ये एक मतलब इसमें एक गोया कि इसकी ममानियत का एक सबब और इसके साथ जुड़ गया है। लेकिन पहला सवाल अपनी जगह पर बरकरार है कि उसका वजू नहीं टूटेगा, उसकी नमाज हो जाएगी। जी तो यानी ये कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हलाल चीज नहीं है, हराम है, फिर भी जैसे कि तो तंबाकू खाए रहते हैं, और जैसे कि क्याम खड़ा हुआ तुरंत कुली करते हैं, फटाक से जैसे कि मिल जाते हैं नमाज में, तो ये समझ में नहीं आता है। देखिए, कैश भाई, आपको शेख ने बताया कि इससे वजू तो नहीं टूटता है, ये तो शरई मसला है, आप उसको किसी भी तरह से ला करके उसका वजू नहीं तोड़वा सकते हैं किसी भी सूरत में। और हाँ, रही बात बदबू आती है उससे क्या कबाहतें होती हैं, क्या मसाइल आते हैं, उस पर भी शेख ने जिक्र किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, हराम है, नहीं खाना चाहिए, बदबू आती है, लोगों को भी तकलीफ होती है, वो भी तकलीफ नहीं देना जायज है। लेकिन क्या नमाज हो जाएगी, शेख ने बताया कि नमाज भी हो जाएगी, इसके अलावा अगर आप कोई सवाल पूछना है तो लेकिन बताए। हाँ, जी नहीं, शेख, लेकिन देखिए कैश साहब, कैश अंसारी, मैंने आपको ये हरगिज नहीं कहा है कि आपका वजू नहीं टूटेगा इसलिए आप गुटखा खा करके जाइए। ये मैं नहीं जी कह रहा हूं, ये आपको जानना जरूरी है कि आपका वजू नहीं टूटा है, ये अलग जी मसला। जी आपकी जी यही नमाज भी सही हो जाएगी, ये अलग मसला है, लेकिन आपको कोई ये नहीं बता रहा है कि वजू नहीं टूटेगा इसलिए खा करके जाइए। वो अलग, उसकी हुर्मत अलग है और वो बरकरार है।